ये कोई फिल्म का टाइटल नहीं है। दिल्ली अगर आप ट्रेन से जाए ना तो अक्सर ये लाइन आपको दीवारों पर लिखी नजर आएगी। शायद यही लाइन शेरली रोड के बाहर भी लिखी होनी चाहिए थी। यहाँ रहने वालों के आपस में कुछ अजीब से रिश्ते थे। अच्छा, अब तो मतलब मेरे जिनके जिनसे रिश्ते होने चाहिए थे वो तो थे। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? अगर जिनके जिनसे रिश्ते नहीं होने चाहिए थे वो भी थे। यहाँ पर क्या कर रहे? सिर्फ मुझे छोड़ गया। मैं रवि, एक लड़की का बोझ अपने कंधे पर उठाए क्यों खड़ा हूँ? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। Stop it. तुम मुझे disturb कर रहे हो। तुम्हारा problem क्या है? तुम ये काम bed पर भी कर सकते हो ना? देखो गुलान, मैं यहाँ 3 दिन से काम कर रहा हूँ। मैं एक बात बोलूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे, मैं कभी कभी तुम्हारे चेहरे से बोर हो जाती हूँ। तुम उधर जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, अब तुम मेरे चेहरे से बोर हो जाती हो? Don't make a issue out of it. तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ? कहाँ? अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ ना। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। निर्मल, मैं यहीं रहता हूँ। आप नई नई आई हैं तो मैंने सोचा बस अपना फर्ज निभाने चला आया, मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए देखिए, थैंक्स फॉर ऑल दिस, पर मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप फिर कभी आइएगा प्लीज। देखिए, आई डोंट मीन टू बॉदर यू, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? एक केस के बारे में। एक लड़की है जो मुझे परेशान कर रही है बार बार। अगर आप इसके बारे में बात करें तो आप मेरे ऑफिस आइए, मेरा ऑफिस सुबह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक खुला रहता है। सी यू देन, बाय। लेकिन देखिए, मामला कुछ जरूरी है। सो तो लग ही रहा है, बोलिए। यही जी, क्यों ना हम अंदर बैठ कर बात करें? नहीं, I know, आपको शायद पसंद नहीं कि कोई स्ट्रेंजर आपके कमरे में आए। स्ट्रेंजर्स नहीं, आप। जी जी, क्या सपना को पता है कि आप मेरे पास यहाँ पर आते हैं? यानी कि आपकी मुलाकात सपना से हो चुकी? जी, सो तो है। और आपने यकीन कर लिया जो भी कुछ उसने कहा? जी। आप भी अब इस तरह से तो रोज रोज ही आप कुछ भी यकीन कर लेंगी। एनीवे, मैं तो यहाँ आपसे अपने केस के बारे में डिस्कस करने आया था। तो बोलिए। यहीं? जी। अंदर? बिल्कुल नहीं। तो फिर बाहर? ठंडी हवा, टेबल, कुर्सी, मैं, आप, वेटर? देखिए मिस्टर निर्मल, क्या आप मुझे केस के बारे में कुछ बताएंगे? अब केस के बारे में तो हम रेस्टोरेंट में बात करने वाले थे। देखिए मिस्टर निर्मल, ये कुर्सी, ये टेबल, ये कॉफी, ये वेटर, दे मेन फॉर बेटर थिंग्स, इसे हम केस में क्यों वेस्ट करें? आई एग्री। तो केस के बारे में पूछूं? पूछो। लड़की का नाम क्या था? लोरेन। मैगजीन का नाम क्या था? मैगजीन के नाम से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी वो लोग इस केस को देख ही रहे हैं, और वैसे भी ऐसी लड़कियां तो पैसे लेकर रफा दफा हो ही जाती हैं। हम चलते हैं ना बाहर। देखो निर्मल, I can guarantee you that this girl is not going to withdraw the case. Why is that? क्योंकि ये केस मैं लड़ूंगी, आपकी तरफ से नहीं, आपके खिलाफ। और अगर ये आपकी चाल थी मुझसे बात करने के लिए, then I'll prosecute for eve teasing, for trespassing.
harassing and disturbing my peace. देखिए. Now get lost and goodbye. Wow. Wow. और नीचे last line will say, you're rolling on a world of class. क्या समझा? यानी तू कांच की दुनिया में सैर कर रहा है. नहीं नहीं कांच नहीं ग्लास नहीं क्लास. अच्छा क्लास क्लास मतलब ऐश. तू ऐश की दुनिया में सैर कर रहा है ऐसे ही ना. Try to understand. तेरा अंडरस्टैंड क्या बैंडस्टैंड यार. एक तो ये मेरे को इतना फालतू स्टोरी बोल बोल के परेशान करता है. तू क्या ये स्टोरी बोल रहा है मेरे को. ये स्टोरी नहीं है यार. दिस इज अ फोटो फोटोग्राफ. देख क्या हाईलाइट किया. हेडलाइट. हमेशा रिक्शा में हेडलाइट का ही प्रॉब्लम होता है. बोलता हूँ तेरे को. देखा ये हेडलाइट तो हाईलाइट. ये हेडलाइट नहीं यार हाईलाइट. हाईलाइट लाइट. वो क्या ऐसी कोई खास बात नहीं है. गुलाम जी की तबीयत घबराई. उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को बुला लो. यस गुलाम क्या हुआ तुम्हें. दास जरा पानी लेके आओ. नहीं नहीं क्या हा? कितनी बार कहा मैंने तुम्हें कि तुम्हें लो बीपी की शिकायत है. थोड़ा रेस्ट लेके काम किया करो. अगर तुम प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लोगे तो किसी दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी. लगता है मामला सीरियस है. तो मैं जेंट को बुला रहा हूं. नहीं नहीं उसे मत बुलाना. बेकार में वो परेशान होगा. कल उसके जरूरी काम है. मैं ठीक हो जाऊंगी. हाँ कल काम है परसों कुछ और होगा. रोज कुछ तो लगा ही रहता है उसका. इररिस्पांसिबल हस्बैंड. सरदर जेंट के लिए ऐसा मत बोलो. मुझे अच्छा नहीं लगता. अब जाइए दास. थैंक यू. ओके थैंक यू. कोई बात नहीं. हाँ अब देख ये लड़की की बॉडी है और ये गाड़ी की बॉडी. लड़कियों को लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए. लाइफ में लड़कियों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए. अरे कितना प्रॉब्लम होता है मालूम है तेरे को. उस दिन मैं ऐसा खड़ा था बैंड्रा पे. रिक्शा स्टार्ट किया. मैं जा रहा हूँ. एक लड़की गाड़ी की एड को एडवर्टाइज को कहाँ मोड़ कर कहाँ पार्क कर रहा है तू. तू नो पार्किंग में घुस रहा है. इधर आना यार. अरे वो लेवल की बात कर रहा है तू यार. हर टाइम रिक्शा में फोर्थ गियर में ही जाता है यार. मंगेश तू ठहर है. तेरी बात नहीं है लेवल की बात है. हाँ बोल चल क्या है. बोल बोल बोल. मुझे बोला क्रिएटिव लोगों के साथ बात कर यार. मेटालिक बॉडी. क्या बात है यार. फाइबर ग्लास बम्पर. सुपर सुपर रेडियल टायर्स. मस्त है. डबल पावर स्टीयरिंग 0 to 100 इन 3 seconds. क्या बात करता है यार. क्या प्राइस क्या है इसका. 8,000. सी 8 lakh यार. बहुत वजन है यार. पकड़ नहीं. तू एक काम कर 40 साल बाद मिलना मेरे को. मैं डेफिनेटली लूंगा. तेरे से ही लूंगा. बच्चे की भी बुक करवाना. चल बाय. सी यू. एक मिनट. इसमें तो मेरा 20 रिक्शा आएगा यार. शर्म नहीं आती तुमको. 8 लाख की गाड़ी बनाते हो. गरीब लोगों को टोपी पहनाते हो. अच्छा नहीं होगा तेरा. इफ यू कैन अफोर्ड इट बाय इट और वुड यू रादर बाय एन ऑटो रिक्शा. वैसे जो मुझे तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है लेकिन अब तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ. मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. मेरा? हाँ यहाँ पर. लेकिन मेरा कमरा तो वहाँ है ना. लेकिन तुम तो यहाँ हो ना. मैं अभी तुम्हारे कमरे से ही आ रहा हूँ. कहाँ गई थी तुम. खैर छोड़ो. ये तुम्हारे कमरे से आ रहा था ना वापस तो ये रास्ते में मिल गई. क्या नाम है इसका. शहर. हाँ शहर. क्या बोलती है. बोलती है. हाँ अपनी लाइफ स्टोरी के साथ शुरू हो गई और फिर चुप ही नहीं है. पकड़ लिया मेरे को उधर ही. कुछ परेशानी है इसका. कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. देखिए मैं तो बात सुन रहा हूँ. अच्छा होगी. क्या आज कहीं खाना खाने चले. निर्मल आई डोंट बिलीव यू. सीरियस है. चलो तुम ऊपर जाके तैयार हो. मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ. तुम वाकई सच बोल रहे हो. नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ. एक्चुअली हुआ क्या. मैं अपने दाहिने हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर उसके कमरे पे गया था और उससे कहा कि चलो एक रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते. ये हुआ है. बिलीव करती हो ना इसको. तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो. अच्छा अच्छा ओके.
क्या फिर हो गया मामला फिट सर के सारे सपना सपना है मुझे लगा शहर है बैठ ले मैं तुझे अभी ये टैबलेट्स हैं आधे घंटे बाद इन्हें ले लेना सब दे तुम नाराज हो तुम्हें बुरा लगा मुझे क्यों बुरा लगने लगा तुम्हारा पति है तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे तुम दोनों के बीच की बात है ना सब दर मैं समझती हूँ मैंने दास के सामने कहा But you know I'm a married woman. मैंने कभी कोई शिकायत की है? मैंने कभी तुमसे I'm sorry. मुझे अब जाना होगा. अपना ख्याल रखना. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना. Sir, I like you. तुम मुझे समझने की कोशिश करो. Thank you. ये मैं गोलियां खा लूंगी थैंक्स लॉट आधे घंटे बाद वो यहाँ क्या कर रहा था मुझे जरा से चक्कर आ गया था दास को कहकर बुलवा लिया था मुझे पता था यही कहोगी तुम अगर तुम्हें पता था तो तुमने पूछा क्यों तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था मैं ये जानना चाहता था कि तुम मुझे कितना बेवकूफ समझते हो वो तो तुम हो देखो गुलान तुम मुझे इस तरह डिसमिस नहीं कर सकती आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड देखो जैन तुम्हें चिल्लाना है तो बाहर जाके चिल्लाओ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बाहर जाकर काम करो बाहर जाकर चिल्लाओ बाहर जाकर नहाओ बाहर जाकर न जाने क्या क्या और तुम अंदर बैठकर कुछ भी करो तुम्हें कहने का क्या मतलब है तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो मैं नहीं जानती तुम जानते हो मैंने सब कुछ देखा है तुमने क्या देख लिया जो तुमने सारा घर सर पे उठा लिया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझे शक की नजर से देखो शक क्यों नहीं करूंगा शक अगर तुम्हारी जगह मैं सपना या शहर के साथ हाथ पकड़कर इस कमरे में बैठूं तो तुम क्या सोचोगी तो तुम सपना और शहर के बारे में ऐसा सोचते हो यू डिस्गस्टिंग जेंट देखो गुलन मैं डोंट टच मी जेंट लाइट ऑफ एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी गाड़ी की बॉडी लड़की की बॉडी सो दैट्स माय कैंपेन सो एनी क्वेश्चंस मिस आहूजा यू आर हेड ऑफ मार्केटिंग व्हाट डू यू से अबाउट दिस कैंपेन फॉरगेट योर पर्सनल रिलेशनशिप No formalities. We have a professional relationship. Sure? Sure. I think it's nonsense. पहली बात तो ये कि the market research is very weak. And secondly, जो brief हम लोग ने दिया था, that has not been followed at all. And by the way, Mr. Ahuja, are we selling the car or the girl? कहिए Mr. Ahuja, जवाब दीजिए. The car. So in that case, I think it doesn't work. Excuse me, sir. I have some work. Purse. So I think we should change the agency. क्या कर रहे हो जैन? तुम्हें क्या? तुम्हें जो करना था वो कर लिया ना सैटिस्फाइड हैप्पी बाय देखो जैन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ डोंट ब्लेम मी फॉर इट या जो कुछ भी होता है मेरी वजह से होता है ब्लेम ओनली मी फॉर इट बाय ऑफ कोर्स यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट
तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कुछ भी बकवास दिखा दोगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा? तुम मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते थे? शट अप, ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे बंदूक की, कंधे की। मैं जा रहा हूँ। वैसे भी तुम मेरे चेहरे से उब चुकी हो ना। मैं जा रहा हूँ। जयंत, अगर तुमने एक कदम भी बाहर इस कमरे के रखा तो फिर वापस कभी मत आना। क्या? कभी भी मत आना। गेट लॉस्ट। ठीक है ठीक है, मेरे आर्टवर्क्स लेने आया था। मैं जा रहा हूं। I'm going. Bye. Goodbye. अबे देवदास, क्यों अपना मुंह लटकाए हुए बैठा है? तू जाना यार। क्या जाना? खामखा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है, डॉक्टर भी है ना? डॉक्टर है ना? तू मजाक मत कर रहा तू मेरे साथ। ए मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो गुलन शादीशुदा है। तू नहीं समझेगा? क्या क्या नहीं समझूंगा मैं? शादी वादी सब बकवास होता है। वो गुलन है ना, वो मुझे चाहती है। तूने देखा वो मेरी तरफ कैसे देखती है? अच्छा। और वो जयंत, तो दरियल, वो क्या करता है? काम करता रहता है। He can't appreciate her. अरे गुलन अलग चीज है। बराबर है, इसीलिए गुलन आई हाय, गुलन गई बाय। ए क्यों खामखा उनकी हरी भरी गृहस्थी उजार रहा है? हा? रहने देना उनको, जिंदगी हाय हाय हो जाएगी तेरी। देख वो रोशनी है ना। कौन? एक मिनट एक मिनट। कौन है? अरे वो रोशनी यार, सामने रहती है ना, वो डॉक्टर की लड़की यार। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे मैं क्या करूँ मतलब, अकेली लड़की है, बाप भी डॉक्टर तू भी डॉक्टर, बुड्ढा लुढ़क गया सब कुछ तेरा। और अगर नहीं लुढ़का तो? कंबाइंड प्रैक्टिस। एक मिनट मैं आया। आइए आइए ना। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ आपको बाहर खड़ा रहना पड़ा। यू नो सब गंदगी है यहाँ पर, मगर यू नो बैचलर्स। ये सफदर हैं, ये रोशनी, ये रोशनी, ये सफदर। आदाब। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे? चाय बनाने। चाय चाय आ तो तबीयत खराब है आपकी? नहीं तो बैठिए। Going on a trip? कहीं जा रहे हो क्या? टहलने जा रहा हूँ, बैग लेकर। यार पिकनिक पे जा रहा हूँ, तुम्हें क्या? You don't understand यार। I pity you married guys. Hi. You weren't feeling too good yesterday. तो मैंने सोचा Going on a trip. कहीं जा रहे हो? ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। मैं सोचा पिकनिक पे जा रहे हो। I pity you bachelor guys. सपना सपना नॉट अगेन।
Oh, I'm sorry. मैंने सोचा वो, you know. I understand. मैंने गुलन लॉक. Just relax. एक ग्लास पानी मिलेगा? जरूर. आइए, please. Thank you. जयंत, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, सच कह रहा हूँ, मेरी दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया. नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं. मैं मेरी बीवी की कसम खा के कहता हूँ, बट डोंट यू वरी, यू जस्ट वॉच, कल वो मेरे पैर पकड़ेगी और कहेगी, सुनते हो आप, प्लीज आ जाइए, मुझे नींद नहीं आती. आप कुछ लेंगे, पानी चाय वगैरह? नहीं, मुझे आपसे पूछना चाहिए था. तो पूछिए ना. क्या? हाँ, वो कुछ लेंगी आप चाय? नो थैंक्स. बहुत गर्मी हो रही है ना. पंखा चलाएंगे? सॉरी. क्या हुआ? कुछ गया आँख में. आँख में गया? एक मिनट में देखूं. निकाली. हाँ हाँ, खोले खोले खोले. नहीं खोल सकती. मैं खोलूं? मैं तुम सब एक जैसे हो. क्या गुलन? गुलन देखिए ना, अभी भी है आँख में. ऐसा करो, लगाओ आँख में. नो नो नो, आई जस्ट डोंट बिलीव इन इट. आई विल प्रूव इट टू यू. लाइए लेफ्ट हैंड. आपकी कोई बहन? नहीं. भाई, यू आर द ओनली चाइल्ड. सी, दिस इज योर लाइफ लाइन, इट्स ब्यूटिफुल. आप इधर आओ. डार्लिंग जयंत, तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम यहीं खड़े रहो, समझे?